वेल, हैरी पॉटर मूवी को कौन नहीं जानता। देन ये मूवी ऑलमोस्ट लंदन में शूट हुई है। मूवी के फ्रेम्स एंड ग्राफिक्स मुझे इतना ज़्यादा इंस्पायर कर रहे थे, उसके चलते मेरे माइंड में इतने सारे विजन्स बन गए थे कि मेरे को आर्ट ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं थी, बट मुझे उन्हें अच्छे से क्रिएट करने की ज़रूरत थी। हम अपने रेफरेंसेस दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट स्मोक, सेकेंड प्लांट। स्मोक हमने इसलिए चूज़ किया कि वो कौन से डायरेक्शन में रहेगा, और प्लांट हमने इसलिए चूज़ किया कि वो कौन से लेवल पे एग्जिस्ट करेगा। सेक्सी रिजल्ट, ओके, सब प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, बट इसमें ढंग का गोच नहीं लगा। वेल, अपने को एक लेवल और ऊपर जाना पड़ेगा। सो मैं सेटिस्फाई ही नहीं हुआ था, देन मैं एक बार और प्रैक्टिस कर लेता हूँ। वो कहते हैं ना, अगर तुम एक बार में खुश ना हो तो दूसरी बार जरूर ट्राई करना चाहिए। यस, दिस इज वेरी सेक्सी रिजल्ट। अब आएगा ना उठ पहाड़ के नीचे। मैं रेडी हूँ आपके और मेरे मैजिकल थीम्स को क्रिएट करने के लिए। आई होप मैं अच्छा अनबॉक्सर बन जाऊं। ओह शिट, ब्लैक कॉफी। वेल, मैं ये सोच रहा था हमें सेटअप चेंज कर लेना चाहिए। देन चलो गोच मारने चलते हैं। बट मेरे को एक चीज़ की और प्रॉब्लम आ रही है, बट मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा है कि मैं बेस कलर करूँ या ना करूँ, बेस कलर करूँ या ना करूँ। वन मिस्टेक, पूरा कैनवास वेस्ट। वेल, ज़्यादा रात हो गई, अब इसके बारे में कल सोचेंगे। सी यू अगेन। ओके, दिस इज टुमारो, बट काफ़ी रिसर्च करने में मुझे ऑलमोस्ट 2 डेज लग गए थे। देन ये मेरी 10 डेज की मेहनत है। सो मैं आपको बता देता हूँ, एक्चुअल हम ऑयल पेंटिंग कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। नो, एक्चुअल मैंने बेस कलर का कोई यूज ही नहीं किया। यार वेरी हॉट था ये, क्योंकि मुझे हर एक कॉर्नर परफेक्ट दिखाना था। ओके, डे 3, आज हम इसे पूरा फिनिश करके रहेंगे। Work is done. Enjoy the reveal. Bye. Thank you.